हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग के बारे में। तो एरर स्पॉटिंग की एक क्विज आपके सामने, इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। तो जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाली हैं, SBI PO एंड SBI क्लर्क, IDBI बैंक और जो भी इंडिविजुअल एग्जाम्स है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप सभी के लिए मस्ट वॉच वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, तो इन सभी एरर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड रहने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ओली बोर्ड की मोबाइल ऐप और वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगा, जहाँ पर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है, सभी के अंदर 5 ऑप्शंस होंगे आपके सामने हर क्वेश्चन में, और उनमें से एक पार्ट ऐसा होगा जहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि कौन से पार्ट में एरर रहेगी, वही पार्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन। इट इज डिसअपॉइंटिंग नॉट ओनली, ये सिर्फ उनके लिए ही निराशाजनक नहीं है, टू द प्लेयर्स, ये सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही निराशाजनक नहीं है, प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स, जो भी प्लेयर्स हैं और दर्शक हैं, सिर्फ उनके लिए ही निराशाजनक नहीं है, बट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड एडवर्टाइजर्स, बल्कि ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो विज्ञापन दाता हैं, उनके लिए भी निराशाजनक है, एज वेल एज हु स्टैंड टू लूज फाइनेंशियली, और इसके साथ साथ ही जो वित्तीय रूप से जिनको घाटा हुआ है, नुकसान हुआ, उनके लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक पार्ट में एरर है, वही पार्ट हमें चूज करना है अपने आंसर के रूप में। देखिए यहाँ पे पार्ट वन देखते हैं, इट इज़ डिसअपॉइंटिंग नॉट ओनली। ठीक है, यहाँ पे हमने नॉट ओनली का यूज किया है। अब आगे देखिए, टू द प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स, बट टू द ऑर्गेनाइजर्स, आगे देखिए नॉट ओनली का जब हम यूज करते हैं तो ये बट आल्सो के साथ में यूज होता है। ठीक है, अब नॉट ओनली का हम यूज करते हैं तो इसके साथ में बट आल्सो का यूज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल है, ये साथ में आते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो साथ साथ में आते हैं, आइदर और नाइदर नोर साथ साथ में आते हैं, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, तो ये सभी साथ साथ में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर टू द प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स, लेकिन यहाँ पे बट का ही यूज़ किया गया है सिर्फ, इसके साथ में आल्सो का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में, आपकी पार्ट टू में है। इसके साथ साथ में देखिए, एक से ज़्यादा एरर भी इन सेंटेंस में हो सकती है, वो भी हमें देखनी है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, एक से ज़्यादा एरर भी सेंटेंस में हो सकती है, तो वही पार्ट आपको चेंज कर देखने हैं कि कौन कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। तो एक तो एरर आपकी हो गई पार्ट टू के अंदर, क्योंकि इसके साथ में हमने सिर्फ बट का ही यूज़ किया है, बट आल्सो का यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। आगे देखते हैं, टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड एडवर्टाइजर्स एज वेल, अब देखिए जब सेंटेंस में हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कर देते हैं, तो उसके बाद में हमें एज वेल एज का यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हमें यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ नहीं करना होगा। क्योंकि क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने क्या बोल रहा है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स हैं, दर्शक हैं, उनके लिए ही निराशाजनक नहीं है, परंतु बल्कि ये टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड एडवर्टाइजर्स, जो आयोजक हैं और विज्ञापन दाता हैं, उनके लिए भी निराशाजनक है। तो यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ करना सुपरफ्लूस है, इसकी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट में आपकी एरर है, एक तो आपकी पार्ट टू में, ठीक है, और एक पार्ट थ्री के अंदर। तो यहाँ पे टू एंड थ्री, ये दोनों पार्ट आपके एरर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल साथ साथ में नॉट ओनली का बट आल्सो का जो रूल आ रहा है, बार बार में आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, नोट डाउन आप करते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। द रूरल मासेज हैव, देखिए जो ग्रामीण लोग हैं उनकी बात की गई है, द रूरल मासेज हैव द हैबिट अबाउट, उनकी एक आदत होती है, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी क्या आदत होती है वो हम देखते हैं। हैव द हैबिट अबाउट सेविंग, उनकी एक सेविंग की आदत होती है, एंड स्पेंडिंग ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी एक आदत होती है कि उनको जब ज़रूरत होती है तभी वे सेव करते हैं और खर्च करते हैं, जो भी उनके पास पैसे होते हैं वो उनको तभी सेव करते हैं और खर्च करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। ठीक है,
तो ये आपके सामने सेंटेंस है। अब देखिए इसमें भी पांच पार्ट आपके सामने दिए गए हैं सेंटेंस में, तो इसमें भी या तो एक पार्ट में या फिर एक से ज़्यादा पार्ट में एरर हो सकती है। तो जिन जिन पार्ट में एरर है वही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा एक या दो, दो या तीन, या फिर ए या बी, बी या सी, या फिर सी और डी दोनों। तो इस तरह से सेंटेंस हो सकते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। ऑप्शन तो आप फिर भी कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। तो देखिए पार्ट वन देखते हैं, द रूरल मासेज हैव, तो रूरल मासेज की बात की गई है, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी बात की गई है। तो उनके साथ में हमने हैव का यूज़ किया है। हैव का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी चर्चा की जा रही है ना, उनकी चर्चा हैव के रूप में हमने जो मेन वर्ब होती है उसके रूप में इसका यूज़ यहाँ पे किया है। इसके बाद में देखिए द हैबिट अबाउट, यहाँ पे देखिए हमने प्रीपोजिशन अबाउट का यूज़ किया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि उनकी एक आदत होती है, उनकी आदत होती है, ठीक है। अब जब का की के हमने बहुत बार बताया आपको कि जब भी सेंटेंस में इस तरह से अर्थ निकलता है का की के, तब हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें अबाउट की जगह किसका यूज़ करना पड़ेगा, ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अबाउट का यूज़ हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अबाउट का यूज़ कब होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि अबाउट गोल्ड या फिर अबाउट सेविंग। लेकिन यहाँ पे उनकी एक बचत की आदत होती है, ठीक है, जो ग्रामीण लोग होते हैं उनकी आदत है, उनकी आदत है, ठीक है। तो यहाँ पे की जो अर्थ निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस सही होगा। तो कौन से पार्ट में एरर हो गई, पार्ट टू के अंदर आपकी एरर है। तो जो भी रूल्स आ रहे हैं साथ साथ में आप कवर करते रहिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी फाइव पार्ट है इस सेंटेंस के, और इसमें भी कोई ना कोई पार्ट में एरर होगी, एक पार्ट में हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा पार्ट में भी हो सकती है। तो जो भी पार्ट में एरर होगी वही पार्ट आपका आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पार्ट वन देखते हैं। मेगाज पोजिशन, ये जो मेगा की पोजीशन है, स्थिति है, इज मोर सुपीरियर देन, वो सुपीरियर है किसके तुलना में, देन वन हेल्ड बाय विजय, जो विजय ने जो पोजीशन हासिल की है उसकी तुलना में जो मेगा की पोजीशन है वो सुपीरियर है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने पांच ऑप्शन है। अब देखिए कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। तो पार्ट वन है मेगाज पोजिशन, तो मेगा की जो पोजिशन है उसकी बात की गई है, तो यहाँ पर इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, इज मोर सुपीरियर देन, अब यहाँ पे देखिए सुपीरियर दिया गया है सेकंड पार्ट में। अब देखिए सुपीरियर क्या होता है, अपने आप में एक सर्वोत्तम गुण होता है, और सुपीरियर जो होता है वो तो ना तो क्या होता है, ना तो ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ये सुपरलेटिव है। तो फिर ये कौन से फॉर्म में, ये कंपेरेटिव फॉर्म में, ये कंपेरेटिव फॉर्म में दी गई आपको, ये कंपेरेटिव फॉर्म में ऑलरेडी है सुपीरियर, तो इसके पहले हमें मोर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, तो मोर यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। ये पहले से ही ऑलरेडी सुपीरियर कंपेरेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम इसके साथ में मोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही कंपेरेटिव डिग्री है, तो ना तो ये पॉजिटिव डिग्री है ना ये सुपरलेटिव डिग्री है, पहले से ही कंपेरेटिव फॉर्म में है, इसलिए हम इसके साथ में मोर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्ट टू के अंदर क्या एरर है, सुपीरियर के साथ में हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए इसमें एक एरर और है, वो कौन सी है, जो वर्ड्स होते हैं सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, सीनियर, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं इनके बाद में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके साथ में हम टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। तो यहाँ पे देन का रॉन्ग, देन का जो यूज़ है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जब भी आते हैं इनके साथ टू प्रीपोजिशन आती है, और जो सुपीरियर है ये अपने आप में ही पहले से ही कंपेरेटिव है, तो इसको कंपेरेटिव दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मोर का यूज़ नहीं करेंगे और देन का यूज़ भी नहीं करेंगे, इसकी जगह क्या आएगा, टू का यूज़ आएगा, देन की जगह टू यूज़ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग क्षेत्र है, इज स्टेगनेंट, वो स्थिर है, ठीक है, वो अभी स्थिर बना हुआ है। आगे है एंड फेसेज,
और वो सामना करता है, किस चीज़ का सामना करता है, नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ना तो वो इंक्रीज का सामना करता है, ना तो उसमें वृद्धि हो रही है, ना ही फिर उसमें कमी हो रही है इन ग्रोथ, उसकी जो वृद्धि दर है ना तो उसमें कमी आ रही है ना ही वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसमें भी पांच पार्ट है और इनमें से एक या एक से ज़्यादा पार्ट में एरर कंटेन हो सकती है। ठीक है, तो वही पार्ट हमें अपने आंसर के रूप में चूज करना है जिसमें भी एरर है। तो चलिए देखते हैं पार्ट वन, इंडियाज बैंकिंग सेक्टर, भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, तो पार्ट वन आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलिए अगला देखते हैं, इज स्टेग्नेंट, वो स्थिर है, तो ये भी सही है। अगला देखते हैं एंड फेसेज, और सामना करता है, बैंकिंग क्षेत्र की बात की गई है, फेसेज सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तब जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, इसलिए ये भी पार्ट आपका सही है। आगे देखते हैं नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज, वो ना तो इंक्रीज का सामना करता है और ना ही डिक्रीज का सामना करता है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, नाइदर के साथ में हमने और का यूज़ किया है, लेकिन ये रॉन्ग है, ये यूज़ रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम नाइदर के साथ में नोर का यूज़ करते हैं और आइदर के साथ में और का यूज़ करते हैं, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज़ करते हैं। तो ये जो कंजक्शन है ये सभी कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं और ये सभी एक साथ एक पेयर में आते हैं। ठीक है, एक जोड़े के अंदर आते हैं, एक पेयर बनाते हैं अपना। नाइदर का जो यूज़ होगा हमेशा नोर के साथ होगा, आइदर का यूज़ हमेशा और के साथ होगा, नॉट ओनली का यूज़ हमेशा बट आल्सो के साथ में होगा। ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं और हमेशा पेयर में आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, हमें एक ही तरह का जो कंजक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा, हम डिफरेंट डिफरेंट कंजक्शन को ऐड नहीं कर सकते हैं इस तरह से। जैसे नाइदर के साथ में हम और का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आइदर के साथ में हम नोर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, नाइदर के साथ में नोर का और आइदर के साथ में और का, नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक पेयर बनाते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भारत का बैंकिंग क्षेत्र है वो क्या स्थिर बना हुआ है, उसमें ना तो वृद्धि हो रही है और ना ही उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ है उसके अंदर ना तो कोई इंक्रीमेंट हो रहा है ना ही कोई डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो एक स्थिर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो आपको वर्ड दिया गया है स्टेग्नेंट, ये क्या है, इसका मतलब होता है स्थिर, उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। ठीक है, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है, कोई भी कमी भी नहीं हो रही, कोई वृद्धि भी नहीं हो रही, इसलिए इसके अकॉर्डिंग स्टेग्नेंट वर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइदर नोर का जो यूज़ होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वृद्धि दर है वो स्थिर बनी हुई है। अब स्थिर होगी उस कंडीशन में क्या होगा, वृद्धि तो होगी नहीं, ना तो कमी होगी ना ही वृद्धि होगी, वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाइदर तो सही है, नाइदर इंक्रीज और की जगह हम नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोर आ जाएगा, नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज। ठीक है, तो ये जो रूल साथ साथ में आ रहे हैं आप इनको नोट डाउन करते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको 5 पार्ट्स आपके सामने हैं, इसमें भी किसी न किसी पार्ट में एरर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो वही पार्ट आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंस द ट्रेन, ठीक है, सिंस द ट्रेन वॉज डिलेड, जो ट्रेन थी वो डिले हो गई, देरी हो गई उसको, ठीक है, वी विल रीच ओवर होटल अराउंड द मिड नाइट, हम हमारे होटल मिड नाइट के दौरान अर्धरात्रि को पहुँचेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दिया गया है। अब देखते हैं कौन से पार्ट में एरर हो सकती है, वन बाई वन देखते हैं। तो देखिए पार्ट वन, सिंस द ट्रेन, ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है, तो सही है पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वाज डिलेड वो देर हो गई थी, डिले हो गई थी ट्रेन, तो ये भी सही है। वी विल रीच ओवर, वी के साथ में विल का यूज़ किया, फ्यूचर के अंदर है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद में वी विल रीच ओवर होटल अराउंड द मिडनाइट, अब देखिए यहाँ पे हमने द का यूज़ किया है यहाँ पर मिडनाइट से पहले। ठीक है, अब देखिए जो द आर्टिकल होता है उसका यूज़ हम कहाँ पे नहीं करते हैं, जो आपका नाउन होती है, कौन सी नाउन, उस नाउन से पहले जो डे होते हैं, डे का जो टाइम होता है, डे का टाइम होता है, ठीक है, इसके पहले हम क्या करेंगे, द का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ इसके पहले करने से इसका जो यूज़ होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, तो दिन के टाइम के पहले हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपको, द मिडनाइट, अब मिडनाइट क्या होता है, एक दिन का ही भाग होता है पूरे 24 घंटे के अंदर, अर्धरात्रि भी शामिल होती है, ठीक है, तो एक दिन का ही एक पार्ट है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे,
द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ बिना आर्टिकल के इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस द ट्रेन वॉज डिलेड वी विल रीच और होटल अराउंड मिडनाइट, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन से पार्ट में एरर हो गई, पार्ट फोर के अंदर एरर है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द टेक इन स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, उसके दौर के अंदर इंडिकेट्स, वो ये दर्शाता है रेडिकल चेंजेस, यानी कि एक बहुत परिवर्तन किए गए हैं इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के मेथड है, उत्पादन की जो विधियाँ हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज किए गए हैं, वो ये दर्शाता है इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं, पांच पार्ट है आपके सामने इस सेंटेंस में भी, तो इसमें भी एक या एक से ज़्यादा पार्ट में एरर हो सकती है, तो वही पार्ट आपको अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या है एरर इसके अंदर। पार्ट वन है द टेक इन स्टेज ऑफ, अब देखिए यहाँ पे द टेक का मतलब क्या गया, द टेक का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है ग्रांट एडमिटेंस, द टेक का मतलब होता है ग्रांट एडमिटेंस, यानी कि अनुमति देना, ठीक है। और चेंज इट लेटर, या फिर इसको बदलना बाद के अंदर, तो एडमिशन अनुमति देना या फिर इसको बदलना, इसका मतलब होता है द टेक का। अब देखिए क्या बोल रहा है, इन स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकीकरण का दौर है उसके एक चरण में, इंडिकेट्स रेडिकल चेंजेस इन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन की विधियाँ हैं, उत्पादन की विधियाँ, उसके अंदर जो चेंज होता है औद्योगिकीकरण के दौर में, उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टू टेक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेक ऑफ, ठीक है, द टेक ऑफ ओ डब्ल एफ। अब टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, टेक ऑफ का मतलब होगा यहाँ पे शुरुआत करना, ठीक है, टू स्टार्ट, ये इसका मीनिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेक ऑफ का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, चॉकलेट और वनीला, ठीक है। तो चॉकलेट है और वनीला है, इन दोनों में से विच डू यू लाइक बेस्ट, कि इनमें से कौन सी चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, 5 पार्ट्स है इसके अंदर भी, और एक या एक से ज़्यादा पार्ट में एरर कंटेन हो सकती है, तो वही पार्ट आपको चूज करना है अपने आंसर के रूप में। तो चलिए देखते हैं इसको, देखिए पार्ट वन क्या है, चॉकलेट और वनीला, चॉकलेट और वनीला इन दोनों की बात की गई है इस सेंटेंस में, एक तो आपका चॉकलेट है एक वनीला है, इन दो की बात की गई है, और क्या बोला गया है, विच डू यू लाइक बेस्ट, इन दोनों में से तुम सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हो, सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या किया गया, दो चीज़ों की बात की गई, इसका मतलब दो चीज़ों की तुलना की जा रही है कि इन दोनों चीज़ों में से, चॉकलेट और वनीला में से तुम किसको ज़्यादा पसंद करते हो, तो तुलना हो रही है आपस में। तो जब हम तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो कौन सा एडजेक्टिव यहाँ पे यूज होगा, तो देखिए यहाँ पे हमने बेस्ट का यूज़ किया है पार्ट फोर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, बेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेटर का यूज़ करना पड़ेगा, और बेटर का यूज़ क्यों करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, और जब भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए जो गुड होता है, गुड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बेटर होती है। तो यहाँ पर हम बेस्ट की जगह बेटर करेंगे, ठीक है, तब ये सही होगा। तो कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट फोर के अंदर आपकी एरर है, ठीक है। तो ये जो रूल है, इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि एडजेक्टिव है कंपेरिजन करना, एडजेक्टिव की जो फॉर्म होती है अलग अलग, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री, उनका भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा रूल्स आएंगे, तो वो आपको नोट डाउन करते जाने हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्स में उसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एवरी वन रीच्ड द वेन्यू विथ द टाइम एक्सेप्ट,
कि प्रत्येक व्यक्ति एवरीवन रीच्ड द वेन्यू, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक की बात की गई है, वो जगह पे पहुंच गया, वेन्यू यानी स्थान पे पहुंच गया, कौन से स्थान पे, जो भी स्थान था उस पे पहुंच गया विद टाइम, वो समय के साथ पहुंच गया, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय, एक्सेप्ट दीज थ्री गर्ल्स, इन तीन लड़कियों के सिवाय सभी अपने स्थान पे पहुंच गए, ठीक है, सिंस दे लिव फार अवे, क्योंकि वे बहुत दूर रहते हैं इसलिए वे टाइम पे नहीं पहुंच सकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने इसमें भी फाइव ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इनमें से कोई ना कोई पार्ट में या फिर एक से ज़्यादा पार्ट में भी एरर कंटेन हो सकती है, तो वही पार्ट आपको अपने आंसर के रूप में चूज करना है। तो चलिए देखते हैं एवरीवन, तो देखिए एवरीवन सही है, इसमें क्या गलत है, अगला देखते हैं सेकंड पार्ट, रीच्ड द वेन्यू विथ, वो अपने जगह पे पहुंच गए टाइम। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर सभी लोग पहुंच गए सिर्फ तीन लड़कियों को छोड़ के, एक्सेप्ट दीज थ्री गर्ल्स, क्योंकि ये बहुत दूर रहती है इसलिए टाइम पे नहीं पहुंच सकी, ये अगर टाइम पे नहीं पहुंच सकी तो बाकी लोग तो कम से कम टाइम पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये प्रीपोजिशन का यूज किया गया है विथ का, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि जब समय पे पहुंचे हैं वो सभी, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विथ की जगह क्या आ जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा, क्योंकि सभी समय पे पहुंचे हैं वहाँ पे, तो ऑन टाइम का यूज हम करेंगे। जब समय से कुछ समय पहले अगर हम पहुंच जाते, मान लें कि हमारे पास 10 मिनट है और 10 बजने में कुछ ही सेकंड शेष है, या मान लो कि 10 बजे का टाइम हमारे पास, 10 मिनट का टाइम हमारे पास है, ठीक है, तो एक तो कंडीशन तब होगी जब हम सिर्फ 10 मिनट, यानी कि हम 10 बजे, चलो हम दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, मान लो कि 10 बजे का हमारे पास टाइम है 10 AM का, ठीक है, तो 10 AM का हमारे पास टाइम है, तो अगर हम 10 बजे पहुंचते हैं पूरा, ठीक है, 10 बजे अगर हम पहुंचते हैं पूरा, तो वो क्या होगा, ऑन टाइम, ठीक है ना, क्योंकि हम समय पे पहुंच रहे हैं, पूरा टाइम ले रहे हैं। और इन टाइम का यूज़ कहाँ होता है, देखिए मान लीजिए हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है, और इस 10 मिनट के अंदर मान लो कि हम 8 मिनट में ही पहुंच गए, तब क्या होगा, इन टाइम का यूज़ होगा, क्योंकि हम इन टाइम का नहीं, सॉरी विद इन टाइम का हम यूज़ करेंगे, विद इन टाइम, जब हमारे पास 10 मिनट होते हैं और अगर हम 8 मिनट ही लेते हैं तब हम विद इन टाइम का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें 10 बजे तक पहुंचने की बात कही गई है या फिर 10 मिनट के अंदर पहुंचने की बात की गई है, तो अगर हम पूरा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, उस पूरे टाइम में पहुँचते हैं, तब हम ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन विद का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग यूज़ है, क्योंकि सभी लोग समय पे पहुंचे हैं, पूरा टाइम उन्होंने लिया है, तो यहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें भी आपके सामने 5 सेंटेंस है, ठीक है, 5 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से एक या एक से ज़्यादा पार्ट में एरर कंटेन हो सकती है, तो वही पार्ट आपको अपने आंसर के रूप में चूज करना है जिसमें भी एरर है। तो चलिए देखते हैं, पार्ट 1 है सिंस द बिजनेस, जो बिजनेस है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, वाज एक्सपेंडिंग टू चाइना, वो चाइना तक बढ़ रहा था, विस्तार हो रहा था हमारे बिजनेस का, जो बिजनेस था उसका विस्तार चाइना तक हो गया था या हो रहा था, ठीक है, ही वॉन्टेड टू, ठीक है, अगला पार्ट देखिए, ही वॉन्टेड टू लर्न द चाइनीज, वो चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहता था, क्यों सीखना चाहता था, क्योंकि उसका बिजनेस चाइना तक फैल गया था, पहुँच गया था, इसलिए उसको चाइनीज सीखनी की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 5 पार्ट है, तो एक ना एक पार्ट में एरर जरूर होगी, तो देखिए कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। तो पार्ट 1 आपका सही है, वाज एक्सपेंडिंग टू, वाज कंटिन्यूस फॉर्म में, वाज वर प्लस वर फर्स्ट प्लस ing, तो यहाँ पे ये पार्ट भी आपका सही है, टू चाइना, ठीक है, ये सही है। आगे है ही वॉन्टेड टू लर्न, ही वॉन्टेड टू, ये पार्ट भी आपका सही है, लेकिन आगे देखिए जो फोर्थ पार्ट है, लर्न द चाइनीज, अब देखिए चाइनीज क्या है, एक लैंग्वेज है, और हमने एक रूल पढ़ा होगा, आपने शायद काफ़ी टाइम पढ़ चुके हो शायद वो रूल, क्या रूल है, जो भी लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे चाइनीज एक लैंग्वेज है और इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये एक रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दे का यूज रॉन्ग है, जो लैंग्वेज का नाम आता है
वो अपने आप में अकेला ही आता है, उसके साथ भी किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट फोर के अंदर आपकी एरर है, ओके। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ आई विल बी हैविंग द टाइम, यदि मेरे पास समय होगा, आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा एंड मेक इट टू द मूवीज, और इसको मूवीज़ में भी ट्राई करूँगा, ठीक है, मूवीज़ में भी इसको ट्राई करने वाला हूँ। विद यू दिस इवनिंग, आज शाम तुम्हारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में भी आपके सामने पांच पार्ट आपको दिए गए हैं, और इनमें से किसी न किसी सेंटेंस पार्ट के अंदर एरर हो सकती है, तो वही पार्ट आपका क्या होगा आंसर के रूप में आपको चूज करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन से पार्ट में एरर हो सकती है। तो देखिए पार्ट वन है यू आई विल बी हैविंग द टाइम। देखिए आगे क्या दिया गया आपको, सेल ट्राई एंड, यहाँ पे सेल का यूज किया गया है, सेल यानी फ्यूचर की वर्ब आपको दी गई, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की वर्ब है, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, एंड मेक इट टू द मूवीज, और मूवीज तक इसका यूज करूँगा, मूवीज तक ले जाऊँगा, विद यू दिस इवनिंग, इस समय, इस शाम को मैं तुम्हारे साथ इसको मूवीज़ के अंदर ले जाऊंगा। तो देखिए दिस इवनिंग यानी कि वो शाम अभी आई नहीं है, फ्यूचर की बात वो कर रहा है, यहाँ पे इसने सेल का भी यूज़ किया यानी कि फ्यूचर की वर्ब का वो यूज़ कर रहा है, फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है, इफ़ आई विल बी हैविंग द टाइम, इसने जो क्या बोला है, यदि मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस होगा पार्ट वन वाला, ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ आई विल हैव, यहाँ पे हैविंग का यूज नहीं होगा, इफ आई विल हैव द टाइम, यदि मेरे पास समय होगा, होता है अगर, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, सेल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा और इसको मूवीज तक ले जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे यूज होगा, ना कि फ्यूचर सिंपल का, ठीक है। तो इस तरह से जो भी रूल्स साथ साथ में आ रहे हैं वो आपको कवर करने हैं, और आज का जो प्रैक्टिस सेशन है एरर डिटेक्शन का वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में।